हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टाइम। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं विविध खेलों के ट्रॉफीज और कप के बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला खेल है क्रिकेट। हम दोस्तों जानते हैं क्रिकेट हमारे देश में बहुत पॉपुलर और बहुत ही जाना माना खेल है, और उसमें से विविध कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका एक या दो सवाल क्रिकेट के बारे में पूछ लिया जाता है, और उसमें से मिनिमम एक सवाल ट्रॉफी या कप के बारे में पूछ लिया जाता है। दोस्तों चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो दोस्तों, एशेज कप जो कि सबसे पुराना कप है और वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है, जो क्रिकेट इतिहास का टेस्ट क्रिकेट में से सबसे पुराना कप माना जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों एशिया कप, सीके नायडू ट्रॉफी, दियोधर ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, जी डी बिरला ट्रॉफी, जीरेक कप, आईसीसी वर्ल्ड कप, ईरानी ट्रॉफी, जवाहर नेहरू कप, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, रोहिंटन ट्रॉफी, बार्सिया ट्रॉफी, रोथमस कप, सहारा कप, सरजान कप, सिंगर कप, टाइटन कप, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विस्डन ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी। ऊपर दिए गए सारे ट्रॉफी दोस्तों हमें क्रिकेट में देखने को मिलता है, और इसमें से मिनिमम एक सवाल पूछ लिया जाता है। उसके बाद का हमारा खेल है दोस्तों हॉकी। हॉकी जो इंडिया का हमारा राष्ट्रीय खेल भी माना जाता है। हॉकी खेल के रिलेटेड दोस्तों ट्रॉफी है सुल्तान अजहर शाह कप, आगा खान कप, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा कप, वेलिंगटन कप और स्टेनले कप। दोस्तों ये सारे कप हमें हॉकी में देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों फुटबॉल। फुटबॉल जो हमारे देश में धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है दोस्तों, उसमें रोवर्स कप, बंडोडकर ट्रॉफी, मर्डेका कप, कॉन्फेडरेशन कप, डीसीएम ट्रॉफी, डुरंट कप, रोवर्स कप, बीसी राज ट्रॉफी जो नेशनल लेवल की चैंपियनशिप होती है, फीफा वर्ल्ड कप जो क्रिकेट में आईसीसी वर्ल्ड कप होता है, उसी की तरह फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप होता है। उसके बाद जूल्स रिमेट कप दोस्तों। इसके बाद है कालिंग कप, संतोष ट्रॉफी, IFSL सीरीजर्स कप, सुब्रतो कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और टोड मेमोरियल ट्रॉफी, मित्तल ट्रॉफी, UEFA चैंपियंस लीग। दोस्तों ये सारे ट्रॉफी हमें फुटबॉल में देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों बैडमिंटन, जो अमृत धवन कप, एशिया कप, चड्ढा कप, यूरोपियन कप, हेरी लाला कप, इब्राहिम रोहित तिल्ला चैलेंजर कप, कोनिका कप, सोफिया कप, किटिकारा कप, मलेशिया कप, थॉमस कप जो कि मेन के लिए होता है, और उबर कप जो कि वुमेंस के लिए होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट खेल है हमारा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में त्रावणकोर कप जो कि वुमेंस के लिए है, स्वतलिंग कप जो मेंस के लिए है, और बामा लेक कप जो कि वुमेंस और मेंस दोनों के लिए है। फिर उसके बाद है लॉन टेनिस, जिसे हम खाली टेनिस के नाम से भी जानते हैं। उसमें है डेविड कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, US ओपन, हेंकन कप। दोस्तों लॉन टेनिस में से या टेनिस में से एक सवाल या एक एक सवाल दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सवाल दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जिसे पूछ लेते हैं कि साल का सबसे पहले कौन सा कप होता है, तो हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। वैसे हिसाब से लास्ट साल के लास्ट में कौन सा टेनिस कप होता है, तो कह सकते हैं कि US ओपन। उसके बाद है दोस्तों गोल्फ। गोल्फ में अगस्टा मास्टर, ब्रिटिश ओपन और US मास्टर, ये तीन कप गोल्फ में हमें देखने को मिलता है दोस्तों। उसके बाद है हॉर्स रेसिंग में। हॉर्स रेसिंग में से देखा जाए इंडिया में उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड लेवल पर इसे डर्बी ट्रॉफी है, और रोविंग के लिए वेलिंगटन ट्रॉफी है दोस्तों। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर पूरा होता है दोस्तों। अगर दोस्तों हमारा लेक्चर सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।